आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका है 2 by x plus 3 by y is equal to 13 और सेकेंड इक्वेशन इज 5 by x minus 4 by y is equal to -2। ठीक है, नाउ तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है रिड्यूसिबल मेथड तो, और दूसरा हम इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल एक्स एंड वाई दिया हुआ है ना, तो हम इसको करेंगे एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड से आपको करना है तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, तो फर्स्ट इज एक्स और वाई, तो एलसीएम इज एक्स वाई, तो हमने ले लिया एलसीएम इज एक्स वाई। तो यहां पर क्या आ गया देखो, एक्स वाई एक्स में कितने टाइम जा रहा है, वाई टाइम्स, तो वाई इंटू टू इज 2y, तो आपका आ गया 2y प्लस, नाउ एक्स वाई वाई में कितने टाइम जा रहा है, एक्स टाइम, तो एक्स इंटू थ्री इज 3x, तो 3x is equal to 13। ठीक है ना, और ये कैसा हो गया आपका, यहां पर भी आपको वैसे ही करना है, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, तो इधर क्या हो गया आपका 5y, 5y minus 4x दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -2। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड एट द सेम टाइम आपको इसको लेफ्ट साइड में भी लेकर आना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी लेकर आना है और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, दोनों एक साथ करो आप, तो क्या होगा देखो, और सबसे पहले आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, AX plus BY plus C is equal to 0, है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है AX plus BY plus C is equal to 0, दैट मीन सबसे पहले आपको एक्स को लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे क्योंकि यहां पर देखो आपका वाई दिया हुआ है सबसे पहले, तो हम एक्स को लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा देखो 3x plus 2y, है ना, ये वाला हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 13xy, और लेफ्ट में लेकर आ गए तो उसको क्या हो गया -13xy, तो आपका आ गया -13xy दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड वाला भी वैसे करो, आपका क्या है देखो वाई पहले है बाद में एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स को पहले लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा -4x, -4x plus 5y, और यहां पर है -2 और मल्टीप्लाई किया तो -2xy, और लेफ्ट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +2xy, तो आपका आ गया +2xy दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है x bar is equal to y dash is equal to 1 dash, तो सेम हम लिखते हैं यहां पर, तो आपका आ गया x by that is equal to y by that is equal to 1 by। ठीक है, नाउ जब हम x की वैल्यू लेंगे तो x के कोएफिशिएंट्स वी विल नॉट राइट हियर, तो यहां पर हम x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ देंगे और हम लिखेंगे y के एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट में आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में -13xy इज द फुल कांस्टेंट, पूरा है वो, और +2xy इज द फुल कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इट्स अ वेरिएबल, उसको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू राइट दैट नाउ। तो आपका क्या आएगा देखो, तो x का लिख रहे हैं तो क्या होगा आपका 2 and 5, तो पहले आपका आ गया 2 फिर आ गया 5, फिर आपका क्या है -13xy and 2xy, तो यहां पर आ गया आपका -13xy एंड यहां पर आ गया 2xy। ठीक है, नाउ
जब y का लिखेंगे तो वी विल नॉट टेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, हम आगे से लिखेंगे क्या है माइनस 13 एक्स वाई एंड 2 एक्स वाई, तो आपका आ गया माइनस 13 एक्स वाई एंड 2 एक्स वाई, ठीक है, और 3 एंड माइनस 4, 3 एंड माइनस 4, नाउ 1 का दैट मींस कांस्टेंट को आप नहीं लेना है, आपको x एंड y के कांस्टेंट्स लिखने हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 3 माइनस 4 2 एंड 5, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है, आपको ऐसे क्रॉस करना है और यहां से क्रॉस करना है, दिस आर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपका जो सेकंड वाला है ना, सेकंड रोज के अंदर आपका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसके सामने आपको माइनस लगाना है, तो वी विल पुट माइनस यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। नाउ तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स बाई नाउ 2 इंटू 2 इज 4, तो आपका आ गया 4 एक्स वाई, ठीक है। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 5 इंटू 13 इज 65 एक्स वाई, तो आपका आ गया प्लस 65 एक्स वाई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, नाउ इसका करो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 15 इंटू 4 इज 52, तो आपका आ गया y बाई 52 एक्स वाई, ठीक है। नाउ और यहां पर क्या है आपका माइनस एंड प्लस, दैट मींस माइनस, तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू, नाउ 1 का करो कांस्टेंट का, 3 इंटू 5 इज 15, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो प्लस 8, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है, यहां पर है एक्स बाई नाउ 4 एंड 65 क्या हो गया 69 एक्स वाई, ठीक है 69 एक्स वाई। नाउ अब देखो दिस इज इक्वल टू, नाउ यहां पर y बाई 52 एक्स वाई एंड माइनस 6 एक्स वाई कितना हो गया 46 एक्स वाई, 46 एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 15 प्लस 8 इज 23, ठीक है। नाउ अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, वी विल x का कांस्टेंट के साथ, ठीक है, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y एंड कांस्टेंट, ठीक है। नाउ तो अब देखो x बाई 69 एक्स वाई, तो वी विल राइट हियर x बाई 69 एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 23, तो 1 बाई 23, ठीक है। तो x की वैल्यू अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, दोनों जगह पे x है, तो वी विल कट दैट, तो आप x को और इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, देखो मल्टीप्लाई करो तो आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 69 y, तो y क्या हो गया आपका 23 बाई 69, कट करो तो आपका आ गया 1, ये हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3, है ना, हम x का निकाल रहे हैं लेकिन हमारी वैल्यू y की निकल गई, ठीक है। नाउ अब सेकंड केस देखो, आपका है y, ये दोनों है ना, इन दैट यू कैन सी y इज कट, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं यहां पर ही,
तो हमने क्या किया, y कट कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ गया, 23 इज इक्वल टू 46x, 46x, तो x क्या हो गया आपका 23/46, कट करो तो आपका आ गया 1/2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1/2, तो x इज 1/2, y इज 1/3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने हैं।